प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि देश भर में तेज गति से संपर्क प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री की दूर दृष्टि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। शिलान्यास का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे होगा। प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड रौचा में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। तो दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे का समय दिया गया है, दोपहर 1 बजे शाहजहांपुर में शिलान्यास किया जाएगा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, इस बीच ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में रैली, जनसभा और शिलान्यास होने वाली है। जाहिर सी बात है, सीधा जो विपक्ष भी कह रही है कि एकमात्र उद्देश्य और वो ये कि विधानसभा चुनाव, उसी के मद्देनजर एक तीर से दो निशाना। बिल्कुल श्वेता, जब चुनाव स्तर पर है हो और अगले 2-2.5 महीने में चुनाव हो जाने हो तो हर चीज सियासत से जुड़ती है और जुड़ी जाएगी और ये हो भी रहा है। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख लें, पिछले अगर 1 महीने का देख लें तो प्रधानमंत्री लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बार तो सिर्फ पूर्वांचल आ चुके हैं और इस बार वो ब्रज में है। ये ब्रज का इलाका है और यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। 694 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। हालांकि गंगा एक्सप्रेस वे पर सियासत शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष है उसने कहा है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, पहले इसका कंसेप्ट आ चुका है और प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास भले ही कर रहे हो, लेकिन ये मेरठ से प्रयागराज तक इसमें आप देखें तो हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़। जी तो बिल्कुल, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं जिसे इस एक्सप्रेसवे से फायदा होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, ट्रेड के मद्देनजर भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम हो जाता है इस तरह का एक्सप्रेसवे अगर निर्माण होता है इसका तो। लेकिन हाँ, सियासत भी अपने साथ शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे की सोच जो आई थी वो बीएसपी को आई थी और बीएसपी के समय में ही इस सोच को रखा गया था और अब प्रधानमंत्री जो है शिलान्यास की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है सरकार पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम अपनी जगह पर है। तो 18 दिसंबर आपको बता दें एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में। 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिला कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। 23 दिसंबर को वाराणसी में होंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो एक के बाद एक, और 28 दिसंबर कानपुर में होंगे जहां पर मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये वो कार्यक्रम है, ये वो 4 मुख्य कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो शामिल होंगे। 18 दिसंबर एक्सप्रेसवे, 21 दिसंबर महिला कर्मचारियों को संबोधन, प्रयागराज में ये किया जाएगा। ये 2 कार्यक्रम ये हो गए। 23 दिसंबर वाराणसी में होंगे प्रधानमंत्री, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। काशी कॉरिडोर का भी अभी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने और एक बार फिर वाराणसी में होंगे। और 28 दिसंबर कानपुर में होंगे जहां पर मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। तो आज 1 बजे शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज 12 बजे बताया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा।